नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर बॉक्स ऑफिस वाला में। तो दोस्तों, शैतान मूवी के डे 12 के कलेक्शन के बारे में, डे 13 की एक्सपेक्टेशन कितनी हो सकती है के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। शैतान मूवी का आपको पता है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। ट्यूसडे के दिन काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, मतलब कि मंडे से भी ज़्यादा नंबर इसके आए हैं। मंडे के दिन 3 करोड़, लेकिन ट्यूसडे के नंबर जो एस्टिमेट हमारे सामने आ रहे हैं वो 3.15 करोड़ रुपए आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, काफ़ी एलिगेंट हैं, ज़बरदस्त हैं। मतलब कि शैतान मूवी अभी भी जमी हुई है, योद्धा मूवी से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है। 3.15 करोड़ के जो एस्टिमेट नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, तो इससे इसका ओवरऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 125 करोड़ रुपया हो जाता है। वर्ल्ड वाइड में इसका जो कलेक्शन है वो 150 करोड़ रुपया हो गया है। तो अब सवाल ये है, क्या ये इंडिया में 150 करोड़ रुपया नेट कमा सकती है? तो काफ़ी चांसेस कम है, ऐसा नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है, या फिर 140 या 145 या फिर उससे कम रह जाएगा। लेकिन काफ़ी अच्छा कारोबार करती हुई नज़र आ रही है, योद्धा हो या बस्तर द नेक्स्ट स्टोरी, इन दोनों मूवी को आज तक भी उन्होंने पछाड़ दिया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ट्यूसडे के दिन 3.15 करोड़ का जो कलेक्शन है, क्या वो सही है? आपको लगता है कि कम है या ज़्यादा है? जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।